फूड प्रोसेसर और अ मिक्सर ग्राइंडर, व्हिच वन विल सिलेक्ट? एक फूड प्रोसेसर एंड एक मिक्सर ग्राइंडर दोनों ही इंडियन किचन पर इम्पॉर्टेंट है। दोनों का फंक्शन भी सेम है बट दोनों का पर्पस कम्प्लीटली डिफरेंट है। और अगर आप एक फूड प्रोसेसर एंड एक मिक्सर ग्राइंडर को लेकर कन्फ्यूज हो, सो आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगी बेटर ऑप्शन को चूज करने के लिए। सो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अब बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखो। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियोस को एक लाइक कर देना। फर्स्ट हम बात करते हैं एक फूड प्रोसेसर को लेकर। एक फूड प्रोसेसर के साथ आप चॉपिंग, वेजिटेबल, फ्रूट्स, प्यूरी इजिली बना सकते हो, स्लाइसिंग कर सकते हो, नॉट ओनली दैट आप डोन ईटिंग भी कर सकते हो। एंड फूड प्रोसेसर के साथ आपका टाइम भी काफ़ी ज़्यादा सेव हो जाता है। एंड व्हाट अबाउट द मिक्सर ग्राइंडर? मिक्सर ग्राइंडर के साथ आप मिक्सिंग एंड ग्राइंडिंग को अच्छे से कर सकते हो। एक मिक्सर ग्राइंडर के साथ आप जूसीज, स्मूदीज, प्यूरीज आप इजिली बना सकते हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द यूसेज। फूड प्रोसेसर के साथ आप वेजिटेबल चॉपिंग, फ्रूट्स प्यूरी इजिली बना सकते हो। नॉट ओनली दैट आप यहाँ पर मीट ग्रेटिंग कर सकते हो, कुकीज क्रम कर सकते हो एंड डोनेटिंग भी कर सकते हो। एंड एक मिक्सर ग्राइंडर पे आप जूसेस, मोदेस, प्यूरीज आप इजिली बना सकते हो। नॉट ओनली दैट आप यहाँ पर स्पाइसेस पाउडर बना सकते हो, हर्डर फूड को इजिली चॉप कर सकते हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अटैचमेंट। एक फूड प्रोसेसर बहुत सारे अटैचमेंट के साथ आते हैं। फूड प्रोसेसर में आपको 4 जार्स दिखने को मिलता है एंड साथ ही साथ आपको डिफरेंट ब्लेड डिस्क भी दिखने को मिलता है। कुछ मॉडल्स पर आपको मोर देन 15 अटैचमेंट दिखने को मिल जाएगा। एंड वही पे एक मिक्सर ग्राइंडर पे आपको 3 और 4 जार्स दिखने को मिल रहा है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्पेस। एक फूड प्रोसेसर बहुत सारे अटैचमेंट के साथ आते हैं, इसलिए इसे ऑपरेट करने के लिए आपका स्पेस भी बहुत ज़्यादा लग जाता है। किचन में ये बहुत ज़्यादा स्पेस को कंज्यूम कर लेते हैं। एंड वही पे एक मिक्सर ग्राइंडर के लिए आपका स्पेस कम लग जाता है। एंड व्हाट अबाउट द पावर कंजम्पशन? पावर कंजम्पशन के मामले में एक फूड प्रोसेसर 650 वाट से स्टार्ट होकर 1000 वाट तक पावर को कंज्यूम कर लेते हैं। एंड वहीं पे एक मिक्सर ग्राइंडर 500 से स्टार्ट होकर 650 वाट तक पावर को कंज्यूम करते हैं। सो एक फूड प्रोसेसर पावर कंजम्पशन के मामले में मिक्सर ग्राइंडर से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर लेते हैं। लास्ट बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज प्राइस। एक मिक्सर ग्राइंडर, एक अच्छे मिक्सर ग्राइंडर आपको 1500 से स्टार्ट होके 8000 के प्राइस रेंज के अंदर मिल जाएगा। बट एक फूड प्रोसेसर स्टार्ट होता है 4000 या 5000 के प्राइस रेंज पर। सो प्राइस के मामले में फूड प्रोसेसर थोड़ा कॉस्टली है मिक्सर ग्राइंडर से। सो व्हाई यू चूज अ फूड प्रोसेसर? क्योंकि एक फूड प्रोसेसर के साथ आप किचन के बहुत सारे काम कंफर्टेबली कर सकते हो, जैसे कि चॉपिंग, डोनेटिंग, स्लाइसिंग, मीट ग्रेटिंग, ये सब बहुत कंफर्टेबली आप कर सकते हो। एंड इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट द प्राइस, तो मैं आपको कहूँगी कि आप फूड प्रोसेसर के साथ कम टाइम पे, कम एफर्ट पे बहुत क्विकली बहुत सारे काम खत्म कर सकते हो। एंड यहाँ पर आपको वेरियस टाइप्स ऑफ रेसिपीज भी आप एंजॉय कर सकते हो। और अगर आप वर्किंग हो तो एक फूड प्रोसेसर आपके लिए एकदम आइडियल है। अगर आप ग्राइंडिंग, मिक्सिंग करना चाहते हो तो आप एक मिक्सर ग्राइंडर आपके लिए चूज़ कर सकते हो, क्योंकि एक मिक्सर ग्राइंडर पे आप स्पाइसेस पाउडर, हर्डल फूड को इजीली चॉप कर सकते हो। एंड यहाँ पर आप ग्राइंडिंग, मिक्सिंग भी आराम से कर सकते हो, जो कि आप एक फूड प्रोसेसर पर नहीं कर सकते हो। सो अगर आप अपने किचन पर एक हेल्पिंग हैंड ढूंढ रहे हो तो आप अपने लिए एक फूड प्रोसेसर चूज कर सकते हो, क्योंकि आप एक फूड प्रोसेसर को एज ए मिक्सर यूज़ कर सकते हो। और अगर आप जूसेस, स्मूदीज, प्यूरीज, मिक्सिंग, ग्राइंडिंग करने के लिए सोच रहे हो तो आप अपने लिए एक मिक्सर ग्राइंडर खरीद सकते हो। एंड अगर आप एक बेस्ट मिक्सर ग्राइंडर और एक बेस्ट फूड प्रोसेसर ढूंढ रहे हो तो उसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप उसी लिंक पर जाके अपने लिए एक बेस्ट फूड प्रोसेसर और एक बेस्ट मिक्सर ग्राइंडर चूज़ कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।